पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां करके अपनी जिंदगी को नए रंग में ढाल लिया। एक आम ख्याल किया जाता है कि शोबिज की दुनिया में अमूमन शादियां कामयाब नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं शोबिज की दुनिया के चंद कामयाब मिसाली जोड़ों के बारे में जिन्होंने आपस में दूसरी शादी की और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। बुलबुले के महमूद असलम यूं तो ड्रामे में अक्सर मोमो से छुपकर और कभी कभी इनके सामने दूसरी शादी के चक्कर में नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो दो शादियां कर चुके हैं। इनमें से पहली शादी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरी शादी बरकरार है और वो खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। महमूद असलम की पहली बेगम सहगल फैमिली से थी और इनसे महमूद असलम के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अंबर नौशीन से दूसरी शादी करने से कबल ही महमूद असलम की अपनी पहली बीवी से अलहदगी हो चुकी थी। अंबर से शादी के बाद महमूद असलम ने जिंदगी को एक नए अंदाज में गुजारना शुरू किया। दूसरी बेगम से इनकी दो बेटियां हैं और वो इंतहाई खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की जिंदगी में उस वक्त तूफान आ गया जब अचानक इनकी पहली बेगम हुमा वसीम शदीद बीमार हुई और कुछ ही अरसे बाद दुनिया से चली गई। वसीम अकरम अपने दोनों बेटों के साथ तन्हा रह गए। काफी अरसे तक इनके हवाले से स्कैंडल आते रहे कि शायद वो भारतीय अदाकारा सुष्मिता सेन से शादी कर रहे हैं या किसी और से, लेकिन फिर कुछ अरसा बाद इनकी जिंदगी में शनीरा आई और इनकी जिंदगी का रुख बदल गया। शनीरा और वसीम अकरम की उम्र में इतना फर्क है कि जब 1992 का वर्ल्ड कप था तो शनीरा सिर्फ 7 साल की थी। उम्र में बहुत ज्यादा फर्क के बावजूद ये शादी बहुत कामयाब रही और अब इनकी जिंदगी में एक बेटी का इजाफा भी हो चुका है और ये दूसरी शादी वसीम अकरम की इज्जत और शोहरत में मजीद इजाफा लाई है। खूबसूरत अदाकारा और सियासत के मैदान में कदम रखने वाली अतीका ओडो की दो शादियां हुई और उस वक्त इनकी उम्र काफी कम थी। पहली शादी में वो दो बच्चों की मां बनी जब इनकी उम्र महज 19 बरस थी और दूसरी शादी से इनकी एक बेटी हुई, लेकिन दूसरी शादी भी कुछ ही अरसे में खत्म हो गई। 8 साल पहले इन्होंने जिंदगी में एक बार फिर शादी करने का फैसला किया और पीटीआई के रहनुमा समर अली खान से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। समर अली खान से शादी का फैसला इनके लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ और आज वो खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। अदाकार आबिद अली गो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी अपनी पहली बेगम से अलहदगी मीडिया के लिए एक अरसे तक खबर बनी रही, लेकिन आबिद अली ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया और इनकी दूसरी शादी के बाद इन्हें खुश देखकर किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि इनसे इस तरह की बात करता कि इनकी पहली शादी किन वजूहात की बिना पर नाकाम हुई। आबिद अली ने पहली बेगम हुमैरा चौधरी से भी पसंद की शादी की थी, लेकिन जब राबिया नौरीन से पसंद की दूसरी शादी की तो हुमैरा चौधरी को तलाक दे दी। राबिया नौरीन शादी से पहले एयर होस्टेस थी और इनसे शादी के बाद आबिद अली ने अपनी फैमिली से काफी हद तक किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। आबिद अली ने मरते दम तक इंतहाई कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारी। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।